हैं, भाईजान से बात कर रही हैं और आप ही लैपटॉप में वीडियो देख रही हैं। देखो आप ही कौन सा आसिम राज का सॉन्ग देख रही है, तू ही नहीं राजी को पता भी नहीं कि हम वीडियो कर रहे हैं। देखो के अभी रात के बज रहे 10 और फिस लेके आई थी, अभी धो धा के मैं बैठ गई और अब मैं जा रही हूँ उसे बनाने। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी, 10:05 हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ किचन में फिस बनाने, क्योंकि मेरी गुड़िया मियाँ जो है, मेरी मतलब सिस्टर गुड़िया, उनको डर लगता है फिस फ्राई होता है जब उड़ता है ना उससे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा उससे डर लगता है। तो मैं जा रही हूँ अभी फिस बनाने, गुड़िया चावल चढ़ा दी है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया खाने में क्योंकि जब मैं मार्केट से आई तो अपने मामा के घर रुक गई थी और वहाँ लगभग मैंने आधा घंटा पौन घंटा बैठ गई, इसलिए काफ़ी देर हो चुका है। पर अब हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे वरना मेरा बेटा सो जाएगा। अयान सोना मत, ठीक है, अब तुरंत 5 में बना के देते हैं आपको। नहीं सोना बेटा, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ, यहाँ चावल चढ़ा, चावल पकड़ा। फिर मैंने 1.5 kg लाया है, मतलब मैंने नहीं मम्मी ने, और हम जा रहे बनाने। ये छोटी वाली बिल्कुल फ्रेश फिस है, वो भी सोल का ताज़ा। लास्ट है, सारा मछली मैंने फ्राई कर लिया है और यहाँ इस साइड में मसाला भी बन रही है और इधर ये सारी मछलियाँ फ्राई हो गई, बस यही लास्ट बचा है। बस खाना रात हो गया है, काफ़ी हो गया है, काफ़ी रात मतलब 10:30 हो गए गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाने में आज। और बाबू भी सो चुके हैं, वैसे उन्होंने शाम में कुछ कुछ मतलब खा लिए थे, तो चलो कोई टेंशन नहीं है। बट हमको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि बाबू खा के ही सोता, क्योंकि ताज़ा खाना अगर बाकी कुछ और है तो बाबू तो फिलहाल सो गए हैं, तो वो अब सुबह खाएंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ छत पे, अभी खाना में थोड़ा 10-15 और भी लेट है और सारे लोग लाइट ऑफ करके सो रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एंड गुड मॉर्निंग, अभी मैं मतलब कल गई थी मार्केट पर, मैंने थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया और जो भी मतलब मार्केट के काम तो थोड़ा बहुत वही किया मैंने, क्योंकि मैं मामा के घर रुक गई थी तो वहाँ भी लेट हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मिलती हुई गई, मतलब कपड़ा देखकर मुझे प्लाजो सिलवाना था तो वो वहाँ पे भी मेरा लेट हो गया, वो भी मतलब मोहल्ले की बहन लगती है तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अभी बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं, 11 बज रहा है और मैं जा रही हूँ ब्रश करने का, ब्रश भी नहीं किया अभी, ब्रश करूँगी नाश्ता करूँगा उसके बाद मैं फिर से जा रही हूँ टेलर के पास, जो मैंने रांची से साड़ी लिया उसका ब्लाउज सिलवाना है। और थोड़ा सा मैं मतलब अभी तक मैंने जो भी ब्लाउज पहने वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से पहने, तो अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन डालकर मतलब उसे बनवा रही हूँ, बड़ी शौक से, बहुत ही ज़्यादा शौक से बनवा रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। थोड़े से डिज़ाइन चांद गला मतलब दिखाएंगे, जब बन जाएगा तो दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा जैसा मैंने बताया टेलर को, तो वो बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं वहाँ जाना है मुझे अभी नाप लेकर, तो मैं जा रही ब्रश करने और नाश्ता करेंगे, फिर हम मिलते हैं आपसे। देख सकते दवा गाइस, दवा देख सकते हैं कितना ज़्यादा, अभी मैंने दवा भी नहीं खाया है, बस जारी ब्रश करूँगी दवा खाऊंगी।
बैठे हैं, नाश्ता करने बैठे हैं, और ये दोनों बिल्कुल कैसे आ रही है मेरे प्लेट में झांक के जा रही है। ये देखिए तीनों को, ओए 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 इधर मेरा खाना, ओए चल ही बन गए। खाने की खुशबू सुन के जहाँ खाना है वहाँ ही चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये लोग फिश और चावल खा रहे हैं, मतलब फिश तो नहीं है उसका सालन है, और ये चावल उसके साथ ये खा रहे तीनों। मतलब जहाँ खाना लेके बैठो इन लोगों को खुशबू लग जाती है, वहाँ पहुँच ही जाएंगे ये। तो खाना वाना सब कोई खा लिया, और खाने के बाद सब कोई सो गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ प्याला लेके जा रही हूँ। आज यहाँ का बॉल क्यों नहीं जल रहा है? हम जा रहे सिर खाने, सिर घर में बनाया गया है, इतना ही है। लाइट पता नहीं क्यों नहीं जल रहा है, यहाँ का खराब हो गया सारा। 5 बजने वाला है और हम चले ये सेवई खाने। तो ये बिल्कुल यमी यमी ये सीर की रेसिपी आप सबको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी, मतलब अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है। क्या बनाया है सर ने? सेवई खानी है मेरे अब्बू जान लोग, ये हमने अपने लिए निकाला था पर अब्बू जान ने ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, आप खाइए। नहीं नहीं खाइए, हम दूसरा ले लेंगे, हम दूसरा ले लेंगे, अब चल ठीक है, कोई बात नहीं। यही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम, मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि अब उधर से आ जाएंगे और मेरे हाथों का प्याला ले लेंगे। अब मैं निकालती हूँ अपने लिए। तो मैं यहाँ पे मालपुआ बना रही हूँ गाइज, और ये देखें इसे मैं छानते जाऊंगी और चाशनी में डुबाते जाऊंगी। गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ट्राई कीजिएगा। ये हमने चाशनी में डुबा दिया। और यहाँ पे अयान क्या खा रहा है? बूमर। ये तो अयान बूमर खा रहा है। अम्मी खा रही है मालपुआ। बताइए अम्मी कैसा लग रहा? अच्छा अच्छा लगा। सिर्फ इसका ट्रिक है कि आटे को खूब ज़्यादा फेटे, है ना, उसके बाद जो आटा फूल के जब जाएगा ना कढ़ाई में तो फिर अपना कमाल दिखा देगा वो। तो आपको अच्छा पसंद आया? हम तो मोटी हो गए हैं, वो तो बात है, इससे भी पूछ लीजिए। बाय बाय। ए तू खाया कैसा बताया? लगा बता, बेकार लगा है, बहुत बेकार लगा है ना, चल लाओ निकाल। ये कह रहा है आज चिकन पुलाव बनने वाला, बोले मीठा खिला के पेट भर रही है ताकि चिकन पुलाव कोई ना खा सके, इतना ये है। मैंने बना लिया, अब मैं खुद जा रही हूँ खाने। मैंने सबको खिला दिया है वैसे, अब मैं खुद जा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, सभी लोगों का है। इसमें एक मम्मी का है, एक मेरा है, और एक चूड़ल का है, मतलब इसका है। क्या है वहाँ? अरे कहा हो गया, कुछ गुड़ गया, रसीला पुआ बता नहीं सकती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी है गाइस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा बाकी जो चीज़ मैंने डाला है। और इसे आटे को काफ़ी ज़्यादा फेटिएगा, उसके बाद आपके पास भी एकदम मैदा में बनाया, आटा नहीं मैदा यूज़ करना है, और ऐसा ही एकदम रस भरी मालपुआ तैयार कीजिएगा। यस सच, खाने में बनाया है चिकन पुलाव। ओ ये क्या कर रहे हो तुम यार? ये है चिकन और इधर है पुलाव। वैसे हम इसे जीरा राइस कहते हैं। अयान यहाँ पे क्या कर रहा है? अयान देख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी का, जी नहीं सर, बोलिए जी जी बिल्कुल सर, हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर का ये वीडियो देख रहा है भाई। मेरी मम्मी व्लॉग देखा देख रही है। अपना ही ब्लॉग
लैपटॉप में, क्योंकि बड़े साइज में देखने का मजा कुछ और ही है और मजा आ रहा है यहाँ पे इसमें देखने में। और मेरे पापा मतलब अबू जान भी देख रहे हैं और अम्मी भाई से बात कर रही हैं और यहाँ मैं अपना ही व्लॉग खुद देख रही हूँ यार गाइस। ए आराम से तो चल। ओ माय गॉड गुड़िया यहाँ पे पूड़ी भी बनाई है, हमको पता ही नहीं था कि तुम पूड़ी भी छानी है। दो दो पीस उससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पे आराम से बस दो ही पीस आराम से आराम से। ये पूड़ी है, बारिश हो रहा है जम के गाइस और बारिश होने के कारण मतलब हम लोग के घर में आज ना लाइट में बताओ कितने बजे आई थी, लगभग 1 बजे आया था। तो नाश्ता उस टाइम बना, हम सबका घर सफाई भी हुआ उसी समय, तो इसलिए मम्मी नाश्ता कैंसिल करवा दी। और अभी बारिश हो रहा और शाम के बजे 5:30 और अभी गुड़िया ने बनाया चाय और पूड़ी। हमें लगा कि इवनिंग का जो है कि चाय सिर्फ पिला है, लेकिन यहाँ पे अभी पूड़ी भी बन के आ चुका है तो हम जा रहे वही खाने। चलिए बाबू बैठ गया है, चलिए हम खाने के बाद।